करनाल में 30 साल से ऊपर की उम्र के युवाओं का क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसमें पूरे हरियाणा से आई करीब 1.5 दर्जन टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच अम्बाला और नीलोखेड़ी के बीच खेला गया, जिसमें अम्बाला ने नीलोखेड़ी को पराजित किया। इस टूर्नामेंट में प्रदेश की 16 टीमों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में दयाल सिंह कॉलेज करनाल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर रामजी लाल मौजूद रहे। इसके अलावा देश के जाने माने क्रिकेट कोच और हरियाणा खेल विभाग के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सरदार गुरमीत कपूर, राष्ट्रीय NIS पटियाला के क्रिकेट कोच प्रमोद कुश, वरिष्ठ क्रिकेटर जोगिंदर कादियान, DK मल्होत्रा, राजेश बटला सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट आयोजक जोगिंदर कादियान, DK मल्होत्रा और राजेश बटला के प्रयासों की भरपूर सराहना की और अपने विचार रखे। विजेताओं को शील्ड और मेडल के अलावा करीब 70,000 रुपये के नकद पुरस्कार भी दिए गए। आइए देखते हैं करनाल क्रिकेट लीग T20 टूर्नामेंट के पुरस्कार वितरण समारोह की कुछ झलकियां। उनसे मिलने का मौका दिया चांदी, जो हमारे साथ कभी क्रिकेट खेलते थे, आज ये प्रेस रिपोर्टर है, ठीक है। ये बहुत देख कर बहुत खुशी होती है कि हमारे साथ जो खेलते थे, अपने अपने कहीं कहीं अपने अपने जगह पर जो काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए मैं इन सबको बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा लगा कि आज हम आयोजक बने। इसके आयोजक बनना उतना ही मुश्किल है, कल को आप भी आयोजक बनोगे तो आप मेरी जगह खड़े होकर महसूस करोगे कि क्या होता है। खेलना तो बहुत आसान है, शानदार है, आके आ या विकेट ठीक नहीं आई हुए तो उसके लिए कोई बात नहीं, जो कोई कमी रहेगी वो मेरी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। किसी तरह का कोई कभी कोई कमी आयोजकों की तरफ से हुई हो तो हमेशा कोई काम किया जाता है, कमियां रह जाती हैं, तो हम भरसक प्रयास करेंगे इस अगले आने वाले टूर्नामेंट्स में इसका दोबारा से इसको एक बार रिवाइव किया जाए और बढ़िया से बढ़िया कोशिश की जाए। खिलाड़ियों को सम्मान के साथ बढ़िया वो होना चाहिए। सबसे बड़े बधाई के पात्र हैं हमारे जोगिंदर कादियान जी, बठला जी, मल्होत्रा जी, जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया। इतने सालों से हमने देखा बहुत मुश्किल काम है ऑर्गेनाइज कराना, और खास तौर पर जब लोग आकर क्रिटिसाइज करते हैं ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। और यहाँ मुझे अभी बताया मल्होत्रा जी ने कि जोगिंदर कादियान की तो रेल बनी हुई थी, तो ये रेल ही बधाई के पात्र हैं जिन्होंने सारा मेहनत करके, क्योंकि इनके पास टीम की थोड़ी कमी थी, एक तो ग्राउंड थोड़ा दूर है शहर से और दूसरा सारे अच्छे अच्छे प्लेयर जो अपनी अकेडमी चला रहे हैं, मैं हमारे टाइम में वो सारे फ्री होते थे, स्टूडेंट थे तो टीम की कमी नहीं थी, तो अब सभी बिजी हैं, तो एक बहुत ही मुश्किल काम उन्होंने जो किया है और वो भी अबाउट 30 सबको एक एक्टिव कर दिया और उन्हें और फिट रहने का मौका दे दिया। और इतने सालों बाद चांद जी जो आज तक के रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैंने आज भी उनको कहा कि बहुत दिनों बाद मिले हैं, जब भी स्टेडियम टूर्नामेंट कराते थे इनको एक फ़ोन करते थे, ये उसी टाइम पहुंच जाते थे, तो बड़ी अच्छी कवरेज करते थे। और मैं एक बार फिर बधाई देना चाहूँगा कादियान जी को इस ग्राउंड के लिए, बहुत अच्छा ग्राउंड है, बहुत अच्छी विकेट है, और जिन प्लेयरों को इन्होंने मौका दिया, टीमों को मौका दिया, इतनी दूर दूर से टीमें आई हैं और कई तो ऐसे प्लेयर भी मिले हमें जो मेरे पास 88, 90, 92 में मेरे पास स्टूडेंट थे। यही सबसे उम्मीद करूंगा कि अगली बार हम टूर्नामेंट कराएं तो और बढ़ चढ़ कर टीमें आए। जो हमारी तरफ से कुछ किसी तरह से कि पहले बार कोई आयोजन कराते हैं तो हो सकता है हमारी तरफ से कोई कमी भी रह गई हो, उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। और कोई आपके तरफ से कोई किसी तरह का सुजेशन सुझाव होगा, हम उसको कोशिश करेंगे अमल करने की, अगली बार जो टूर्नामेंट कराएं तो और अच्छे से उसको करें, क्योंकि जब कोई चीज शुरुआत होती है तो उसमें कई चीजें रह जाती हैं, और धीरे धीरे आप सभी भाइयों के सहयोग से उन कमियों को भी दूर करेंगे। टोटल टूर्नामेंट में जैसे बठला जी ने कहा, खामियां चलती हैं, उसकी कई रीजन होते हैं, उनको मद्देनजर रख के कोशिश यही की जाएगी कि अगला टूर्नामेंट इससे भी अच्छा हो। आप बधाई के पात्र हैं कि आपने 30 साल वाले जो ऊपर से प्लेयर हैं उनको यहाँ खेलने का मौका दिया, आप इसी तरह से टूर्नामेंट करवाएं और फिर हम दोबारा यहाँ पे खेलने आए। आप जोगिंदर कादियान भाई साहब का धन्यवाद, और यहाँ पर आए हुए सभी हमारे गुरुजन और सभी हमारे साथी खिलाड़ी, उनका सभी का धन्यवाद करते हैं, और आगे के लिए जो टूर्नामेंट होगा उसमें हम और अच्छे से खेलें। इस टूर्नामेंट में जिस दिन भाई साहब का फोन आया कि ऐसे ऐसे करके हम प्लान कर रहे हैं,
और 30+ का टूर्नामेंट है, तो मैंने एक स्वर में बोला था कि मेरी टीम फाइनल है, क्योंकि इस एज में आके खेलना, क्योंकि मोस्टली आपको टीवी पे भी देखते होंगे 30, 32, 33 तक इंटरनेशनल लेवल पे रिटायर हो जाते हैं क्रिकेटर, कोई भी क्रिकेटर हो रिटायर हो जाता है, बहुत कम बिरले होते हैं सचिन जैसे जो 40 तक खेलते हैं, बट इस एज में आके और क्रिकेट को दोबारा से जीवित करना बहुत बड़ी बात है। हमारे भाई जोगिंदर कादियान जी, जो कि हमारे क्लास फेलो सन 1984, एक लंबा समय हमारे क्लास मॉनिटर और हमेशा हमें डांटने वाले हमारे भाई, इन्होंने हमेशा ही हर प्रकार से क्लास को इस प्रकार से जोड़ के रखा। इनका एक उद्देश्य रहा है हमेशा, स्पोर्ट्समैन तो ये हमेशा से रहे हैं। हमारा सेक्शन 10th C था, उसके अंदर भी इन्होंने एक टीम बना दी थी और शायद मैंने भी उसके अंदर थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली होगी। किसी भी खेल में या व्यवहारिक जीवन में आप किसी व्यक्ति से जाति के बेस पर, धर्म के बेस पर भेदभाव करने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट का खेल है ये, यही खेला जाता है ग्राउंड के अंदर, ये राजनीति का खेल नहीं है जो दूसरे देश से चुनाव जीतने के लिए खेला जा सकता है, ये क्रिकेट का खेल है।